ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन वाओ, व्हाट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या बात है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रिस्क, जिसको अपन प्यार से कहते हैं फॉरेक्स, फॉरेक्स, फॉरेक्स। प्लीज एक बार कंफर्म कर लो क्या ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। देन लेट द गेम बिगिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम वेरी चैलेंजिंग। मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। ठीक है, आज की तारीख में आप दुनिया में कहीं भी काम करें, ठीक है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। आपको लगता है कोई भी दुनिया की ऐसी बिजनेस है जो ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है? इवन अ सोल प्रोप्राइटर लाइक मी हैज अ ग्लोबल कनेक्ट, प्रोबेबली विद स्टूडेंट्स बीइंग इन नेपाल और अ दुबई और अ शारजा, राइट। सो That's how the business has been, especially online आने के बाद। ठीक है, अब तो आपके पास इतने सारे avenues है that you can actually reach out to the whole world, and बस इसी के चलते ये chapter बनता है so very important। धीरे धीरे आने वाले time में जैसे जैसे अपने को इस chapter का hold आते जाता है, मैं आप लोग के साथ कुछ statistics share करूंगा forex trading के, and you will be shocked to know that this is such a big industry। तो कहां से आया ये concept forex, क्यों आया ये concept? तो एक time था, अभी तो short में बताऊंगा आपको, धीरे धीरे as the lectures pass by थोड़ा और detail में जाते जाऊंगा, but just to give you an idea that एक time था जब the world had converted itself to a dollar base। World War टू के बाद की बात है, ठीक है, सब लोग ने अपने आप को डॉलर के हिसाब से वर्कआउट कर दिया था। ठीक है, गोल्ड वॉज द स्टैंडर्ड, सो फॉर एवरी एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड यू वुड गेट अ सर्टेन डॉलर्स। तो वो टाइम पे सारी दुनिया के पास डॉलर्स बहुत ज्यादा जमा हो गया। इसके लिए आज की तारीख में है ना बेस करेंसी डॉलर को माना जाता है। बेस करेंसी यानी ऐसा करेंसी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड। मैंने जैसा तुम्हारे को बोला है, प्रॉब्ली आई हैव बीन टू मोर देन 30 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक भी जगह पे ऐसा मुझे नहीं लगा जहां पे डॉलर एक्सेप्टेड नहीं था। या इनफैक्ट मैं ऐसे बोलूंगा कि कहीं पे भी जा रहा था तो मुझे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने एक ही बात बोला कि भाई डॉलर ले जा, तो कोई टेंशन नहीं है। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज यार कितना इंपॉर्टेंट है ये करेंसी anyway, मतलब बी इट प्रोबेबली यूरोप से लेकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, यू गो anywhere, सब जगह एक करेंसी तो चलता ही है, एंड दैट इज यूएस डॉलर। इसके लिए तो भाई आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जीडीपी वाला इकोनॉमी है। एंड देर वॉज अ टाइम वेन पीपल यूज टू सेल देयर गोल्ड टू हैव डॉलर्स, बट इन द ईयर 1974 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बोला कि यार हम इसको ये जो करेंसी है, जो बेस हम लोग ने सेट किया है डॉलर का, उसको हम लोग बंद करना चाहते हैं। एंड एवरीबॉडी पेग्ड देयर करेंसी विद डॉलर। पेग्ड मतलब समझते हो, मतलब उन्होंने अपना करेंसी डॉलर के साथ कनेक्ट करवा दिया। क्या आपको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली $1 was how much rupees, और आज की तारीख में कितना है? So you will be shocked to know, या शायद आपको पता भी हो, but आज की तारीख में तो $1 is equal to कितना है, बोलो। So times have changed so much, क्यों हुआ होगा ऐसा? Any idea? के ₹2 ठीक है, और अभी मोदी जी के विजिट के बाद तो और द सी हियर इट इज, हियर इट इज 82.62 INR। सो नाउ जो ऐसी करेंसी जो इंडिया से थी $1 इज इक्वल टू ₹1, आज हो गई है $1 इक्वल टू 82.62।
तो ऐसा क्या हुआ है, क्यों होता है ऐसा कि इंडिया का करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है? वो सब क्या है टर्म समझाऊंगा, बट आप सोचो ना, आज से प्रोबेबली 75 years बैक अगर मैं यूएसए जाता था, ठीक है, और अगर मेरे को ये कैलकुलेटर चाहिए होता था ना, तो यूएसए वाला बोलता था एक कैलकुलेटर का कितना, मैं उसको पूछता था, वो बोलता था $10, तो इन शॉर्ट मैं उसको 10 रुपए देता था तो मुझे दे देता था ये कैलकुलेटर। आज जब वो ही कैलकुलेटर मैं लेने को जाता हूं और वो अगर मुझे बोलेगा $10, तो मेरे को मेरे इंडियन रुपीज में 10 रुपए नहीं, 900 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 825 रुपीज देना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा है कि द डॉलर हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग, या इंडियन रुपी अपने आप को इतना संभाल नहीं पाया, एंड इट हैज गॉन डाउन टू 82.62। सोचो ना, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना खुद के करेंसी का सेम कैलकुलेटर लेने के लिए। तो ये सारी चीजें अपन समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाई ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड, इज हैपनिंग, ठीक है। सो जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बोला है, वेन एवर आई एम गोइंग टू टीच समथिंग टू यू, ऑब्वियसली आप लोग के जो मॉड्यूल आरटीपी और वो सब थे वो तो मैं करवाऊंगा ही, बट उसके साथ साथ थोड़ा आप लोग को इंटरनेशनल कनेक्ट, ग्लोबल कनेक्ट भी देते जाऊंगा, सो दैट यू नो व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई आपको कुछ सवाल पूछे ये सब चीज से बारे में, जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, यू शुड बी ब्लैक, नो, यू शुड बी एट अ लेवल जहां पे आप ये सब चीज का प्रॉपरली आंसर्स दे पाए एंड आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए पूरे इस इंडस्ट्री में। दैट इज माई होल इंटेंशन, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद टीचिंग यू सम्स एंड बाकी सब चीजें तो बाय डिफॉल्ट करनी ही है। सो मीर राजा बोल रहा है इन्फ्लेशन कुड बी अ रीजन, यस इट इज अ रीजन, एग्जिम डिमांड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड, दैट्स दैट हैज इट्स ओन प्लेस। सो करेंगे धीरे 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 चीजों को समझते जाएंगे। बहुत सारे टर्म्स है, परचेसिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, बट क्या फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को समझना जरूरी है? वेल द आंसर इज यस। क्या कोई भी कंट्री दुनिया में सेल्फ सफिशियंट है क्या आज की तारीख में? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए बस आप। क्या कोई भी कंट्री दुनिया में आज की तारीख में सेल्फ सफिशियंट है? वेल द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ठीक है। आज इंडिया को अगर ऑयल का जरूरत है तो उसको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वैसे ही हो सकता है यूएसए को एग्रीकल्चर का जरूरत है तो इंडिया उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया की अगर मैं बात करता हूं फिलहाल, सो इंडिया इज इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एट द सेम टाइम जो इंडिया के पास सरप्लस कमोडिटीज या सर्विसेज है, जैसे आईटी सर्विसेज, वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव इन सरप्लस और दैट वी स्पेशलाइज इन। So, अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है, सो अगर मुझे गल्फ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करना है, अगर मुझे यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को आईटी सर्विसेज और से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है, देन इन दैट केस ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? इट इज गोइंग टू बी ओनली पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। सो दैट एग्जैक्टली इज द फर्स्ट पर्पज जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी यूज होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे अदर रीजन है, बहुत सारे अदर पर्पजेज है, बट एज आई टोल्ड यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड बिल्डअप करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया इंपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इट्स क्लोथिंग मटीरियल, क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स बाय फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप यू कैन से क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर है, सो अगेन हाइएस्ट एक्सपोर्टर हो गया वो, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश को भी काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तो इट इंपोर्ट्स अ लॉट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ डेली ट्रांजेक्शन, ठीक है। आज मैं बॉम्बे के से जगह पे हूं, वहां पे मैं देखता हूं कि यार जो गुड्स आ रहे हैं ना, टर्की से कोई माल मंगवा रहा है, कोई बांग्लादेश से मंगवा रहा है, सो इट हैज बिकम यू नो ट्रांजेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज बिकम सो वेरी इजी, राइट। एंड देयर फॉर जब आप वहां पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सो या तो आप रुपीज में ट्रांजेक्शन करोगे तो उस वो बंदा कन्वर्ट करवाएगा अपनी करेंसी में से। फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्की से क्लोथ्स इंपोर्ट किया, तो अगर मैं टर्की से कुछ क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को टर्किश करेंसी में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या मैं उसको INR में करूंगा वो उसको टर्किश करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर, एवरीबॉडी
एवरीडे बेसिस पे उसको यूज करता है एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग. सर वॉर ऑल्सो अफेक्ट द करेंसी ऑफ द कंट्री. वेरी मच वेरी मच यस. तो वो भी अपन लोग देखेंगे. सो वी वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रीलंका और ऑफ अ पाकिस्तान. तो वो दोनों में अभी इफ यू नो दैट श्रीलंका में काफी सारा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ था जिसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था. तो उसकी वजह से इफ यू सी द श्रीलंकन रुपीज दैट वॉज टेरिबली अफेक्टेड. सो यस ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने सिलेबस से कनेक्टेड है एंड वी वुड नीड टू स्टडी ईच ऑफ देम. अगेन सेम वॉज द केस विद पाकिस्तान. बीच में उनका भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अपहीवल था. इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई. सो दैट क्रिएट्स द बिग इश्यू. सो ये देखो श्रीलंकन रुपीज का मैं आपको बोल रहा था. जैसे ये देखो ये इनका एक साल का ओवरऑल सिनारियो देखो कितना ह्यूज मूवमेंट्स दिखेगा आपको इन दिस पीरियड. सो 18 फेब से लेकर सेम मई 13th 20th देर आर ह्यूज ह्यूज मूवमेंट्स. सो क्यों हो रहा है ये इतना सारा मूवमेंट्स. यस ऑब्वियसली श्रीलंका इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. रशिया यूक्रेन के इफेक्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर इट राइट. चलो सो बट उसके लिए वो सब मैं हाई लेवल चीजें डिस्कस करूं बट उसके लिए क्यों ना अपने को पहले थोड़ी बहुत बेसिक्स पता हो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में. तो आज का मेरा जो सेशन है वो आप लोग को एकदम स्ट्रांग बना देगा इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के यू नो हाउ इज अ रीडिंग ऑफ अ डॉलर टू यूरोपी और अ यूरो टू पाउंड एंड ऑल ऑफ दिस इज डन. ठीक है तो ये बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए. कैसे इंटरनेशनली टर्म्स क्या यूज होते हैं ये सारी चीजें एक बार अपन लोग ग्रिप ले ले प्रॉब्ली एक लेक्चर दो लेक्चर में एंड देन फिर बाद में ऑब्वियसली द स्काई इज द लिमिट राइट. सो चलो लेट द गेम बिगिन. सबसे पहला चीज अपने को समझना है दैट फॉरेन एक्सचेंज इज वन ऑफ द हाईली और फॉर दैट मैटर फॉरेक्स करेंसी इज हाईली ट्रेडेड करेंसी इन द होल वर्ल्ड. और मैं अब आप लोगों को पूछना चाहता हूं कोई भी एक फॉरेक्स डिनोमिनेशन मुझे आप लोग बताएंगे. आई एम श्योर आप लोग का आंसर क्या होने वाला है मुझे पता है बट क्यों चाहिए फॉरेक्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए फॉरेक्स फॉर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए. जस्ट टू बिगिन विद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए मेरे को चाहिए फॉरेक्स. एब्सोल्युटली यस बिल्कुल सर राइट. एंड अगर मेरे को ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करना है देन इन दैट केस दिस परचेज एंड दिस सेल एंड वाइस वर्सा ऑल ऑफ दिस विल हैपन ओनली थ्रू फॉरेन एक्सचेंज. ओनली थ्रू फॉरेन एक्सचेंज. Am I right, everybody? Yes, sir. तो चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज द होल सिस्टम वर्क. तो चलो ट्रांजेक्शन्स आप लोग मुझे बताओ रुपीस के टर्म्स में. क्या आप लोग सब लोग के पास मोबाइल है एवरीबॉडी. अगर आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट है अगर आप यूट्यूब पे अभी ये लेक्चर देख रहे हो जहां पे भी हो आप लोग को थोड़ा मैं यूज टू करवा देता हूं विद दीज बोलते हैं ना फॉरेक्स यू कैन से टर्म्स या फिर वो जो करेंसीज है उसके साथ आपको मैं यूज टू करवाता हूं. अभी का अभी मैं आप लोग को एक चैलेंज दे रहा हूं. लेट्स लेट्स डू इट गाइस. मजा आएगा. लेट्स फाइंड आउट द कोट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीस. समझे क्या कुछ हाई वर्ड बोल दिया क्या मैंने. ठीक है कोट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज इन टर्म्स ऑफ रुपीस मतलब एक डॉलर अगर मुझे खरीदना है तो मुझे कितने रुपीस की जरूरत है. और ये खाली एक डॉलर के लिए क्यों. एक पाउंड खरीदना है एक दिराम खरीदना है एक येन खरीदना है तो मुझे कितने रुपीस की जरूरत लगेगी. क्या आप लोग एज अ चैलेंज लेके मुझे बता सकते हैं. ठीक है लेट्स लेट्स गेट यूज टू इट. लेट्स नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट बुकिश नॉलेज. बुक में भी पढ़ना वही है बट क्यों ना प्रैक्टिकली भी ये सब चीजें अपन लोग फाइंड करके लिखते जाए. जैसे यहां पे आप लोग को दिखा भाई $1 इज इक्वल टू 309.6 श्रीलंकन रुपीज है. दिख रहा है आप लोग को. वैसे ही और भी तो करेंसीज है फटाफट बट ये अपना डॉलर और श्रीलंकन रुपी हुआ. मुझे इंडियन रुपीज और डॉलर इंडियन रुपीज और येन ये सब चाहिए. चलो लेट द गेम बिगिन.
एंड कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, कुछ ऐसा होशियारी मत मारना, ये सर इसका स्प्रेड इतना है, ये इतना है, शायद आप लोग ने ये टर्म सुने होंगे या कभी किए होंगे इफ यू आर प्रॉब्ली डूइंग इट, बट मेरे को आप लोग का रॉ नॉलेज चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं फॉरेक्स, दैट इज हाउ वी नीड टू सी इट। और कहां से आप लोग देख के बता रहे हो मुझे बताना, देर आर लॉट ऑफ यू कैन से देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहां से आप लोग ये चीज देख सकते हो, जैसे एक xc.com है, बहुत फेमस है, यहां से आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं से बहुत सारी जगह जहां से आपको ये सब चीजें मिल सकती है। ठीक है, सो से xc.com पे आप गए, एड दिखा दे तू पहले, सो यहां पे देखिएगा आपको, ये देखो उसने क्या दिया है, $1 का रेट, वैसे ही बाकी सब का आप लोग मुझे बता रहे हैं, मनी कंट्रोल से देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, xc.com थोड़ा ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है। चलो और कुछ, और कुछ, चलो ये देखिए अपन यूरो का, चलो लेट्स सी यूरो टू INR, एंड यू कैन सी हियर 1 यूरो टू INR इज 90.694979, राइट। अब मुझे यूजुअली ICAI 4 डेसिमल तक एक्सेप्ट करता है, समझ रहे हो तुम लोग। चलो फिर और कोई, और कोई, और कोई करेंसी जो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो? यस, जापानीज येन। ओ यहां पे ये देखकर है ना बहुत खुशी होगी अपने को, ये देखकर अपने को बहुत खुशी होगी, क्यों देखो, हाँ, अपना करेंसी उससे ज्यादा है ना, अब तक अपन लोग देख रहे हैं यार, ज्यादा इंडियन रुपीस देना पड़ रहा है, $1 बाय करने के लिए ₹80 देना पड़ रहा है, £1 बाय करने के लिए ₹90 देना पड़ रहा है, €1 परचेज करने के लिए ₹83 देना पड़ रहा है, पर ₹1 खरीदने के लिए खाली 0.58 देना पड़ रहा है, कितनी खुशी हो रही है ना, 2-3 दिन में आपकी खुशी शायद कम हो जाएगी, मैं बताऊंगा रीजन आगे जाके। चलो सो गाइस, आई होप आप लोग ने देखा होगा यहां पे कि कैसे उन्होंने कोड दिया है, एक लिखा है 1 जापानीज येन इज इक्वल टू वॉट एवर इंडियन रुपीज, एंड उसके नीचे लिखा है 1 INR इज इक्वल टू समथिंग JPY। चलो आओ लेट्स यूज एंड लेट्स राइट डाउन द मोस्ट फेमस करेंसीज इन दियर ऑर्डर, वी कैन ऑल्सो चेकआउट फॉर, यूरो, चलो आओ 1 यूरो टू INR, 1 यूरो इज इक्वल टू 90 इंडियन रुपीज, सो यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अगर तुम लोग देखोगे तो इट इज 106 दिख रहा है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.3 पाकिस्तानी रुपया, हाँ वापस खुशी हो गई तो अपने को। चलो सो अब आई थिंक आप लोग को एक एक हैंग आ गया है कोड्स देखने का, आई कैन सी एवरीबॉडी टाइपिंग दे आर कोड्स, एवरीबॉडी हैज टू टाइप, वेरी गुड लक्ष्मी, चलो नाउ यू नीड टू बी रेगुलर, रोहन भी से लिख 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 भाऊ, ट्विंकल ध्रुवी प्रेरणा, एक्सेलेंट गाइस। चलो सो ऑन दैट नोट मैं अब यहां पे लिख रहा हूं कुछ फॉरेक्स कोट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे फॉरेक्स कोट्स विद यॉल, ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आर द फॉरेक्स कोट्स जो अपन ने देखा है ऑन द स्पॉट लेवल पे, लेट्स चेक इट आउट। सो सबसे फर्स्ट है मेरा, मेरे को है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में बताते जाओ, चलो सर ओ अंडा भी फेमस साइट है ना, सी देयर आर वेरियस साइट्स, मैं जो यूज करता हूं वो मैंने आपको बताया, बाकी तो आप लोग खाली फॉरेन एक्सचेंज डालोगे ना गूगल आपको 100 साइट बता देगा। चलो आप लोगों को मुझे इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बताने, तो सबसे पहले तो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है ना, 106 रुपया कुछ दिखा था मुझे लास्ट लेक्चर जब मैंने लिया था ना, प्रॉब्ली 6 महीने पहले, तब का अगर मैं मेरा नोट्स देखता हूं तो 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वॉज 98,
नाउ इट हैज बिकम 106। अब मुझे क्या दिमाग में लग रहा है पता है, तब यार ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीद लिया होता तो कितना अच्छा हो जाता। यस, सो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ, एंड ये रहा 1 pound इज इक्वल टू। मैं कुछ आप लोगों को अभी कोट्स दिखा रहा हूं जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होने चाहिए, मतलब कि भाई एटलीस्ट ये कंट्रीज के तो अपने को पता होने चाहिए, लर्न नहीं करना है, जस्ट एक हैंग। इट इज 106.07। मुझे 4 decimals में दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यस, इट इज 106.0779। गाइस नोट करना, मेरे पास एग्जैक्टली 6 months पहले का मेरा लेक्चर पड़ा है, एंड इफ आई सी दैट लेक्चर इट वॉज 1 pound, ऐसे ही मैंने लिखवाया था वो बैच में भी ऑन द स्पॉट, एंड इट वॉज 1 pound इक्वल टू 10 तभी था 98.52। तो सीरियसली यार अगर मैंने तभी 1,00,000 pound ले लिया होता तो 1,00,000, थोड़ी थोड़ा ज्यादा हो गया, 10,000 pound ले लिया होता तो मेरा 10,000 × 98.52 9,85,200 rupees जाता, मतलब 10,00,000 का इन्वेस्टमेंट आज वो हो जाता मेरा सीधा 106.08 × 10,000, यार 10,60,000 हो जाता, मतलब इन अ स्पैन ऑफ 6 months 60,000 तो मैं खाली फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही कमा लेता, नॉट बैड नो। अगर मेरा 10,00,000 के ऊपर, तो 60,000 / 10,00,000 × 100 मैं करता हूं तो 6 महीने में 6%, मतलब 1 साल में यार 12% तो कंफर्म रिटर्न आ जाता। ट्रू। चलो सो क्या बोलते हो, नेक्स्ट बैच में मुझे अफसोस ना हो तो आज का आज मार लू क्या 10,00,000 का एक ट्रेड, क्या लगता है? चलो मुझे यूरो बताओ, यूरो 1 euro इज इक्वल टू हाउ मच, कॉन गाइज लेट्स गेट यूज टू दीज टर्म्स। 1 euro इज इक्वल टू हाउ मच, दिया है यहां पे, दिया है आपको, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। फर्स्ट डे पे अपन फर्स्ट आर में आप लोगों को मैं ये देखना सिखा रहा हूं, सो दैट विल रियली रियली सेट द टोन अहेड, और पूरा मैं यूज करने वाला हूं एंड तक, ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना पूरा आप लोगों को कनेक्ट करते जाऊंगा। 90.6735 तब था 86 point something। करेंसी डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं, यस डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट, डेफिनेटली यस। चलो अब एक अपने को हैंग आ गया, फटाफट अभी बताते जाओ मेरे को। यूरो के बाद आता है डॉलर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इधर लिखते जाता हूं वो सब आप लोग मुझे बताते जाओ। चलो इसके बाद अपन लोग देख लेंगे सिंगापुर डॉलर, ये जो मेजरली ICI यूज करते हैं वो आप लोगों को सब लिखवा रहा हूं से। फिर अपन लोग लिख सकते हैं धीराम किधर का है, करेक्ट दुबई। फिर अपन लिखेंगे चाइनीज यूएन, फिर अपन लोग लिख लेंगे जापानीज येन। सो आई थिंक सफिशियंट है इतना, राइट चल फटाफट सिंगापुर डॉलर एवरीबॉडी, सॉरी पहले यूएस डॉलर, कम ऑन, अब आई होप मेरे को देखने की जरूरत ना पड़े। 82.6156। अब सुनो, $1 इज इक्वल टू, यस लक्ष्मी इज फ्रॉम दुबई, राइट, आई मीन यू आर टेकिंग दिस लेक्चर फ्रॉम दुबई लक्ष्मी, राइट, एंड इट इज अभी दुबई कितना बोला 82.6156। अब जब वो लेक्चर 6 महीने पहले लिया था तो अच्छा हुआ मैंने डॉलर नहीं खरीदा, क्योंकि डॉलर का रेट has almost been unchanged as compared to rupees, which is a big thing for us. बड़ी बात है ये, 6 महीने में अपन लोग ने डॉलर को मूव होने नहीं दिया है, नाइस। चलो सिंगापुर डॉलर तुम लोग बता रहे हो मुझे,
61.1961 एज पर रूपल, अदर्स प्लीज कंफर्म. सिंगापुर डॉलर 61.2205. एंड विदाउट एनी डाउट आगे अपने को रुपीस अपना करेंसी लिखना है. एक साथ लिखूंगा मैं. चलो धीरा वन धीरा एईडी बोलते हैं इसको. बोलो चाइनीज युआन. कमन गाइस, ये चाइनीज युआन लिखना बहुत मुश्किल काम है. और फिर ऑब्वियसली जापानीज येन. करेक्ट. 6 months डॉलर पर रूपी फ्लक्चुएशन ओके हैज बीन 81 to 83. थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन हैदर. चलो 11.4407. ओके सो पहले आज से 6 महीने पहले 1 चाइनीज युआन वॉज 12.02. नाउ इट इज 11.44. मतलब इंडिया करेंसी अच्छा हुआ है. समझ रहे हो, पहले 1 युआन खरीदने के लिए 12 रुपया देना पड़ता था, अब 1 युआन खरीदने के लिए खाली 11 रुपया देना पड़ता है. वेल डन. चलो एंड लास्ट है जापानीज येन. क्यों हो रहा है ऐसा सब बताऊंगा आपको, मजा आएगा तब जब ये कनेक्ट करोगे. यस इट इज रुपीज 0.58 1.3. ये सब क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 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 रुपीज. You can write the currency India ka ya fir aise bhi likh sakte ho, koi tension nahi hai. Got it guys? Chalo. So ye samajh mein aaya aap logo ko? Theek hai? Ab wapas se main likhunga aapse forex quote but reverse method mein. Reverse method mein samajhte ho tum log? Agar tum log ne yahan pe xc.com ko dekha hoga to xc.com hai na, do tarah se quote bata raha hai. Ek वन सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 61.1989 इंडियन रुपीज, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे तरीके से भी तो बता रहा है. व्हाट इज दैट दूसरा तरीका? व्हाट इज दैट दूसरा तरीका? दैट दूसरा तरीका इज 1 INR इज इक्वल टू 0.0163. तो क्या ये टर्म्स में भी आप मुझे बताएंगे सेम टू सेम करेंसीज सेम टू सेम फॉर्मेट में करेंगे पब्लिक? चलो आ जाओ. सो वापस से मैं लिखूंगा फॉरेक्स कोट्स. करेक्ट, वापस से मैं लिखने वाला हूं फॉरेक्स कोट्स. हाँ होता है ना, बहुत ज्यादा बाइफर्केशन होता है प्रथमेश. यहां पे वापस से मैं लिख रहा हूं फॉरेक्स कोट्स, बट इस बार तरीका अलग है. इस बार भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में यहां पे लिख रहा हूं, बट इन टर्म्स ऑफ 1 रुपीज. समझे क्या? बट इन टर्म्स ऑफ 1 यूरो, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ चाइनीज येन. नहीं सॉरी, पहले कौन सा था लिखा था अपन ने? सिंगापुर डॉलर. सिंगापुर डॉलर धीराम. ए तुम लोग, मैं इधर ये लिख रहा हूं तब तक तुम लोग फटाफट कोट्स दो भाई. सिंगापुर डॉलर धीराम चाइनीज युआन.
एंड इट्स जापानीज येन। आइए डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, डॉलर खाली लिखा दो, व्हाट है अपने भाई का, यूएस डॉलर ही होता है, दीराम है। अब तुम लोग कौन सा बोल रहे हो वो भी तो मुझे बताओ। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे ही सामने सामने मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जहां पे आपने सर्च किया होगा उसी के नीचे ये दूसरे तरीके से भी लिखा होगा। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। कोई मुझे बता रहा था, कोई मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बता रहा था। हियर इट इज, 1 INR इज इक्वल टू 0.009427। वेरी नाइस। पॉइंट 0.009427 यूरो, यूएस डॉलर, एसजीडी, एईडी, युआन, येन, राइट। चलो बोलते जाओ, अभी 0.0110 यूरो एज पर प्रेरणा। Somebody please confirm. Oh, Savi, thank you. 0.0121 डॉलर, वेरी नाइस। एसजीडी इज 0.0163, अच्छा एडी 0.0163। एसजीडी बता दो भाई क्या है। एक कनेडियन डॉलर क्यों घुसा रहा है बीच में भरत, जो मेरा फ्लो है वो कर। चलो चाइनीज युआन एंड येन, फटाफट फटाफट, कमान एवरीबॉडी। यूएस डॉलर तो हो गया मेरा 0.874, समबडी प्लीज कंफर्म। ओके करते रहना चेक। एडी 0.0445 है। नाइस नाइस नाइस। एंड लास्ट इज जापानीज येन, एंड इट इज 1.7201। चल आर वी क्लियर एवरीबॉडी। डन, समझ में आ गया, ये समझ जाना क्या है। ये तो खाली अपन लोग ने कोड्स लिखा है। अब मैं आप लोग को ये दोनों कोड्स क्यों बताया, क्योंकि मैं आप लोग के दिमाग में घुसा रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट नंबर वन, एंड दैट इज दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इंडिया में हैं, मैं आपको अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से ही बता रहा हूं, अगर आप इंडिया में हैं और आपको ऐसा कोट मिलता है, देन इन दैट केस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट, दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट। जब ठीक है, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में इंडियन रुपीस को वैल्यू दिया है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कोट। एंड दूसरा 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 है इनडायरेक्ट कोट, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट कोट। समझ में आया, करेंगे इसको अभी और डिटेल में करेंगे, बट दैट्स हाउ द होल यू नो सिस्टम टेबल लुक्स एट। तो अभी आप लोग कभी होटल में गए हो, होटल में आप लोग ने होटल में कभी ये वाला भी रेट देखा होगा, ये वाला भी रेट देखा होगा। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बीच में केरला गया था, ठीक है, तो केरला पे मैंने देखा उधर उन्होंने लिखा था 1 डॉलर इक्वल टू, सॉरी 1 रुपीज इक्वल टू $0.0121। तो मुझे क्या समझना है, वो क्या तरह का कोट है,
मुझे क्या समझना है वो क्या तरह का कोट है? करेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट कोट। तो जब INR में, अगर मैं इंडिया में हूं और मेरी करेंसी में बाकी फॉरेन करेंसी कोटेड है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट कोट, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यूजुअली आप लोग एयरपोर्ट, अच्छा आप लोग तो आर्टिकल क्लर्क है तो आप लोग तो एयरपोर्ट गए नहीं होंगे, बट आप कभी एयरपोर्ट जाना तो आप लोगों को एयरपोर्ट पे तो, बट ऑब्वियस है उधर तो सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी का ट्रेडिंग होता है, तो वहां पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो अगेन रिसेंटली आई वॉज इन दिल्ली एयरपोर्ट, उधर मैंने देखा लिखा था 1 यूरो इज इक्वल टू ₹90.6735। इमीजिएटली मेरे दिमाग में क्या आया पता है क्या? यस, अरे ये तो डायरेक्ट कोट दिया है, ये तो डायरेक्ट कोट दिया है, समझ रहे तुम लोग? सो पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट का। तो मैं हूं इंडिया में, मिस्टर संकल्प है इंडिया में, ठीक है, मिस्टर संकल्प गए केरला में, मिस्टर संकल्प गए केरला में, उन्होंने देखा उधर लिखा था 1 रुपी, एक होटल में लिखा था 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0121। और फिर वो कुछ दिन बाद, इंडिया टूर चालू है उनका तो भाई आपको पता ही रहता है, सो इंडिया टूर के हिसाब से हम गए केरला से दिल्ली, एंड यहां पे हमारे को बोला कि कोट है 1, वहां पे हमने देखा कोट था 1 यूरो इज इक्वल टू ₹90.234, 90.2341। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा कोट हुआ? एवरीबॉडी ये कौन सा कोट हुआ? करेक्ट, ये हुआ मेरा डायरेक्ट कोट। अच्छा ये कौन सा कोट हुआ? करेक्ट, ये हुआ मेरा इनडायरेक्ट कोट। ए समझियो एवरीबॉडी, बोलो बोलो चल चल। गॉट इट गाइस? फिर अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई दुनिया घूमने का मुझे तो शौक है, देखो अपना तो बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम ही है, लोगों का बैलेंस शीट टैली होता है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होता है, जितना इनफ्लो उतना आप घूमने जाओ और आउटफ्लो कर लो, सो इसके लिए जो आता है कमाता हूं यूज कर लेता हूं, उड़ा देता हूं कहां पे, घूमने फिरने में। उल्टा लिखा, ओ वेरी गुड, मैं ध्यान दे देख रहा था आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, सो ओके दैट वाज माय मिस्टेक। सो ये हो जाता है इनडायरेक्ट कोट, ये हो जाता है डायरेक्ट कोट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके 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 भाई, फ्लो में था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट उल्टा हो गया, बट अच्छा है, गुड टू सी ऑल पीपल रिप्लाइंग एंड टेलिंग मी। सो आप लोगों को तो दिमाग में एकदम मस्त सेट हो गया, बराबर कि नहीं? अब मैं आपको एक अंदर का बात बताऊं क्या, सच्ची में बताऊं क्या, मैं कुछ दिन पहले गया था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क समझते, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गया था, फिर थोड़ी टाइम बाद वॉशिंगटन डीसी गया था, डीसी समझते, डीसी। सो मैं न्यूयॉर्क और डीसी गया था, सो वहां पे मैंने कुछ कोट्स देखे, आइए मैं आपको बताता हूं। तो राजू बन गया जेंटलमैन, संकल्प बन गया जेंटलमैन, और चले गया अमेरिका में। तो एक दिन था मैं न्यूयॉर्क में, यू विल नॉट बिलीव उधर मैंने क्या कोट देखा, और उधर मैंने कोट देखा ₹1 इज इक्वल टू ₹82.5263। हाँ, और फिर मैं गया डीसी, वॉशिंगटन डीसी रे, फिर मैं गया वॉशिंगटन डीसी, उधर भी मैंने एक कोट देखा, पता है क्या, उधर मैंने कोट देखा 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना है अपना डॉलर, पॉइंट 0121। मुझे जरा बताना तो कौन सा डायरेक्ट कोट हुआ और कौन सा इनडायरेक्ट कोट, मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, मुझे जरा हेल्प करना। तो मैं यूएसए में गया था,
यूएसए में मैंने ये कोर्ट्स देखे, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोर्ट है, आपको बताना है वॉशिंगटन में वो डायरेक्ट कोर्ट है या इनडायरेक्ट कोर्ट है। कम ऑन एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग, 2 मिनट दूंगा आराम से। आई होप ये आप ये वाला गलती मत करना, मेरे से मैं फ्लो में एक गलती से ट्रांसपोजिशन एरर हो गया मेरे से। सब लोग का करेक्ट आंसर ही आना चाहिए, सेम आंसर ही आना चाहिए, अभी सोच समझ के। देखो, व्हेन आई वाज इन इंडिया, ठीक है, एंड रूपी मेरा पेस पकड़ के रख लिया मैंने, तो इट बिकेम ए इनडायरेक्ट कोर्ट। तो अब समझ जाओ न्यूयॉर्क में क्या होने वाला है वो। करेक्ट, न्यूयॉर्क में जो आपको ये दिख रहा है, इट इज अ इनडायरेक्ट कोर्ट। एंड वॉशिंगटन वाला क्या लग रहा है आप, वॉशिंगटन वाला क्या लग रहा है? करेक्ट, दिस इज अ डायरेक्ट कोर्ट। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ डायरेक्ट कोर्ट। ए सब जुगड़ू एवरीबॉडी, आर वी क्लियर गाइस? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? गॉट इट, गॉट इट। जिस कंट्री में अगर उस टर्म्स में करेंसी है, इट इज डायरेक्ट कोर्ट। बस बस बस, ये तुम लोग से मुझे निकलवाना है, और फिर मैं उसको प्रॉपर डेफिनेशन वाइज लिखवाऊंगा, और फिर अपन लोग उससे और आगे की चीजें वर्कआउट करेंगे। चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, आर वी क्लियर? चलो वापस से एक बार पूरा समझने का कोशिश करेंगे एकदम सिस्टमैटिकली। एवरीबॉडी आ जाओ, अब आते हैं अपन लोग यहां पे। सो यहां पे आई विल नाउ राइट दिस वर्ड, डायरेक्ट कोट। अब खाली वर्ड डायरेक्ट कोट ना लिखूंगा मैं, अब मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज डायरेक्ट कोट इन इंडिया। अब समझेंगे आप और क्लैरिटी के साथ। तो ये है डायरेक्ट कोर्ट इन इंडिया। क्या 1 pound इज इक्वल टू रुपीज 106.0779? तो मैंने क्या किया है, जब मैं इंडिया में हूं और मैंने फॉरेन करेंसी को एज अ बेस पकड़ लिया है, देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोर्ट। जब मैं यूएसए में हूं, जो भी कंट्री में मैं हूं, जब मैं फॉरेन कंट्री के करेंसी को एज अ बेस पकड़ लू, इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? पर क्या ना, ये अपने को देखने में ऐसा लगता है ना, हाँ 1 rupees इज इक्वल टू डॉलर इतना कम, तो भाई यूएसए में दिस बिकम्स अ डायरेक्ट कोट। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? एंड 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 जब मैं इंडियन रुपीज को, अगर मैं इंडिया में हूं और इंडियन रुपीज को अगर मैं बेस पकड़ लेता हूं, तो इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट। मतलब अगर आपने होम करेंसी को एज अ बेस पकड़ लिया और उसके हिसाब से करेंसी कोटेड है, इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट। ए समझ गुडू एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल यार। सो ये अगर मैं खाली इनडायरेक्ट कोट लिखूंगा ना, मैं गलत हूं। मुझे क्या लिखना चाहिए? इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। बात अब तुम लोग एकदम परफेक्टली समझे। सो धीरे धीरे सिस्टमैटिकली सब चीजें दिमाग में घुसती जाएगी ऐसे ही। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। अरे अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, इंडिया में हूं मैं, केरला में गया, केरला में मुझे उसने इंडिया के करेंसी को बेस, मतलब लोकल करेंसी, होम करेंसी को उसने बेस पकड़ के फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बताया। तो अगर इंडियन करेंसी लोकल करेंसी को इन शॉर्ट अपने बेस पकड़ लिया, इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट। ये मेरा जो इनडायरेक्ट कोट है ना, ये अधूरा है, पूरा कब होगा? जब मैं इधर लिखता हूं इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया।
जब मैं दिल्ली में गया तो उसने फॉरेन करेंसी को बेस पकड़ा, एंड तब मैंने बोला ये भी डायरेक्ट कोट है बट इन इंडिया। सो इनडायरेक्ट कोट में मैं क्या कर रहा हूं, लोकल या जिसको बोलेंगे होम करेंसी इज द बेस। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है, एंड 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 यहां पे फॉरेन करेंसी इज द बेस। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? क्लियर हो गया सब लोग को? आई थिंक श्रवण, आयुषी, फोरम को डाउट्स थे, पूरा क्लियर है? डन। जब मैं यूएसए में गया तो यूएसए मतलब उधर का लोकल, अगर उधर के लोकल को मैंने एज अ बेस ले लिया, इनडायरेक्ट कोट। बट आज के बाद अगर मैंने खाली ये वर्ड इनडायरेक्ट कोट लिखा, देन सॉरी आई एम रॉन्ग, मुझे लिखना है इनडायरेक्ट कोट इन अमेरिका। मैंने जब फॉरेन करेंसी को, अब वॉशिंगटन के लिए तो रुपीज फॉरेन करेंसी है ना, अरे भले ही अपना फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अपना रुपी बहुत चुल्लू भर पानी है, अरे बट ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना यार। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस अपन लोग बोलेंगे, जब मैं यूएसए में गया, वॉशिंगटन में गया, वहां पे मैंने देखा कि रुपीस के टर्म्स में मतलब फॉरेन करेंसी है, वॉशिंगटन के लिए तो रुपीस फॉरेन करेंसी है, समझ रहे हो भाई? मैं इंडियन हूं इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो ये रहेगा होम करेंसी। जहां पे हो आप, जो जगह पे हो, उसके हिसाब से रुपीस क्या है, फॉरेन करेंसी। सो डायरेक्ट कोट इन यूएसए। गॉट इट गाइस? श्रवण ने कंफर्म कर दिया, आयुषी ने कंफर्म कर दिया, फोरम आर यू ऑल्सो कंफर्मिंग विद मी? डन। चलो सो आप लोग को डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट समझ में आ गया है। अब भरत पूछ रहा था सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू वाइज इट इज सेम। ओनली वैल्यू वाइज अगर अपन लोग कैलकुलेशन करें तो बाकी तो सेम ही है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको प्रूव करना है तो मैं देखो आपको कैसे प्रूव कर सकता हूं। आओ देखो भाई, इधर लिखा है $1 इक्वल टू रुपीज 82.6156 आज का रेट है। अब इसको डिवाइड कर, चल रुपीज के टर्म्स में लिया तो इस दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 82.6156, 82.6156 ये आ जाएगा $1, सॉरी ये आ जाएगा $1 नहीं, ये आ जाएगा $0.0121, एंड ये रुपीज 82.6156 डिवाइड बाय 82.6156 ये हो जाएगा ₹1। अरे 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 ये तो यही है, अरे 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 ये तो यही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, दैट्स इट। समझ गुड एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल, सब 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 बताऊंगा मैं। डन, कंफर्म कर दिया है सब लोगों ने? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी लेंगे एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स लेंगे कि आप खुद बोलोगे आ सर अभी तो हमको आप नींद में भी जगा के पूछोगे ना, बता दे ये डायरेक्ट कोट इन इधर है या इधर का इधर है। बट कभी भी याद रखना, जब आप डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट वर्ड यूज करोगे, अगर आपने उसके साथ उस जगह का नाम नहीं लिया तो आई एम सॉरी टू से आपका जवाब गलत होगा। यू हैव टू यूज द प्लेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लेस ही डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। समझ रहे समझ रहे समझ रहे? प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे होता है ना तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स में, प्लेस ऑफ करेंसी। चल और एक एग्जाम्पल लेंगे। अब मिस्टर संकल्प चल पड़े यूरोप, यस यूरोप की यात्रा पे चल पड़े, और मैं उधर गया से दो जगह पे, ठीक है मैं उधर गया दो जगह पे, मैं गया जर्मनी में, मैं गया उधर इटली में, ठीक है कहाँ गया हूं मैं, यूरोप, चलो बेल्जियम गया,
पता है आपको क्या कोट देखा मैंने उधर? पता है जर्मनी के एयरपोर्ट पे मैंने क्या कोट देखा? आओ बताता हूं। जर्मनी के एयरपोर्ट पे मैंने कोट देखा, जर्मनी के एयरपोर्ट पे मैंने कोट देखा, 1 यूरो इज इक्वल टू 90.6918। 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज 90.6918 रुपीज 6918 ना। एंड उसके बाद पता है मैं कहां पे गया? मैं गया बेल्जियम में। बेल्जियम के एयरपोर्ट पे अलग ही लिखा था, बेल्जियम के एयरपोर्ट पे लिखा था 1 INR इक्वल टू 0.0110 0. मैं बेल्जियम के एयरपोर्ट पे गया, उधर लिखा था 1 रुपीज INR इज इक्वल टू 0.01102। हाँ एफा, अब आप लोग को जवाब देना है, किसी का भी रॉन्ग गया ना अभी अगर, तो तुम लोग देख लेना और एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन मत लो रे, अभी तो अपन बेस सेट कर रहे हैं। बट प्लीज मुझे पूरा आंसर चाहिए, बस इतना आप लोग कर लो, बहुत हो गया। सब लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए, नो कंफ्यूजन एवरीवन। सो अगर मैं यूरोप में हूं, जैसा देश वैसा भेस। अगर मैं यूरोप में हूं गाइस, कहां पे हूं मैं? हाँ, अगर मैं यूरोप में हूं और यूरो, यूरोप का करेंसी है यूरो, और यूरो कोई बेस बना लिया, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट इन यूरोप। एब्सोल्युटली करेक्ट, इनडायरेक्ट कोट इन यूरोप बोलो, जर्मनी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। एंड यहां पे मेरा आ जाएगा, जब मैं यूरोप में हूं और मैंने फॉरेन करेंसी को बेस बनाया, तब मेरा हो जाता है वो वाव डायरेक्ट कोट इन यूरो। आई थिंक प्लेस इज मच मच नहीं, प्लेस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आई थिंक सब लोग का आंसर करेक्ट है, सब लोग का, कान्या भारत आयुषी, ये सब लोग ने आंसर नहीं दिया क्या? यश वेरी गुड। वेरी नाइस, इनडायरेक्ट कोट इन जर्मनी लिखो चलेगा, एक ही बात है, डायरेक्ट कोट इन बेल्जियम लिखो एक ही बात है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ठीक है ना, मैं अगेन आपको क्या बोला, बट अगर आपने ये कभी डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट प्लेस के नाम के बिना लिखा ना, मैं तो आपको रॉन्ग दे दूंगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं तो आपको रॉन्ग दे दूंगा, बता रहा हूं मैं, कितने बार मैंने देखा है पब्लिक यूज करता है ऐसे ही सीधा इनडायरेक्ट कोट लिख देता है। नो, ऑलवेज राइट द प्लेस ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, राइट। इन शॉर्ट, INR देखकर इमोशनल नहीं होना है। तालिया तालिया तालिया, आरुषि की बात पे तालिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ऑलराइट गाइस, सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब समझो समझो समझो, मेरे को ये नहीं दिया होता, समझो मेरे को ये नहीं दिया होता, और मैं आपको बोलता ये मुझे जरा इनडायरेक्ट कोट फाइंड करके दे, तो आप कर सकते हो क्या? समझो ये बेल्जियम भी यूरोप में आता है, यूरोप का ही करेंसी है, मैं आपको बोलता अरे यार ये इनडायरेक्ट कोट में दिया है, मुझे इनडायरेक्ट कोट में समझ में नहीं आता है, मुझे जरा डायरेक्ट कोट में करके दिखा, तो क्या आप लोग कर सकते हो क्या? सो अगर मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, अगर मैं आप लोग को यहां पे बोल रहा हूं, कन्वर्ट दिस दिस इनडायरेक्ट कोट टू डायरेक्ट कोट, क्या आप कर पाओगे? क्या कर पाओगे? क्या क्या करोगे आप लोग? सीधी सी बात है, सीधा 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज 90.6918 है, बराबर है, इसी से आप डिवाइड कर दोगे इसको। सो 1 यूरो को ही
90.6918 से डिवाइड कर देंगे हम तो सर, 90.6918 से डिवाइड कर देंगे भाई हम तो। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, जैसे ही ये किया जादू हो जाएगा। क्या जादू हो जाएगा? हमारे को मिल जाएगा 0.011026 इक्वल टू 1 रुपीज, विच इज दिस, बोले तो चकास। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? तो क्या मैं आप लोगों की परमिशन के साथ इधर एक लास्ट चीज लिख सकता हूं क्या? मजाक मजाक में तुम लोग ने पहला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है फॉर एक्स का, बधाई हो, वेल डन, आपने पहला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को यहां पे इनडायरेक्ट कोट लिखा है तो इट कैन ऑल्सो, इट इज नथिंग बट 1/(direct quote), एंड अगर डायरेक्ट कोट लिखा है इट इज नथिंग बट 1/(indirect quote). एवरीबॉडी यस और नो? थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, धीरे 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 जाऊंगा मैं फ्लो में। मैं भी एकदम, मुझे लगा चल यार बता देता हूँ, ये मैं इतना जल्दी बताता नहीं हूँ, बट तुम लोग ने इतना अच्छा ग्रैस्प कर लिया और इतना अच्छा कनेक्ट करते जा रहे हो कि मैं रह नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया ये बताते हुए। बट मैं थोड़ी और एग्जाम्पल देता हूँ फिर मैं ये बताता हूँ। तो मैंने सही किया क्या इतना जल्दी बता दिया? तुम लोग सब लोग यस बोल रहे हो, जय बात, एक्सेलेंट गाइस, दैट्स मोर लाइक इट। बट इसको मैं और आगे प्रूव करते रहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करवाऊंगा वापस से, अगर किसी को नहीं समझाए तो। फिलहाल के लिए वापस से एक बार इधर भी बता देता हूं। यहां पे देखो मैंने कुछ वर्ड लिखा है, चलो यहां पे इसी इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं। सो 1 यूरो इज इक्वल टू 90.6918 रुपीज, 90.6918, ठीक है। मैं हूं यूरोप में, मैं हूं यूरोप में, तो यूरोप में अगर मैंने यूरो को ही बेस पकड़ लिया तो वो क्या हो जाता है? तो वो क्या हो जाता है? दिस बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट। ये अपने को समझ गया, बट मैं खाली इतना नहीं लिखूंगा, मैं पूरा लिखूंगा। ये चीज क्लियर है अपने को? यस सर। फिर मैं वापस से यूरोप में ही हूं, मैं अभी भी यूरोप में ही हूं, तो मैं यूरोप में ही लिख रहा हूं, बट फिर भी 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.011026 7, 267। ये क्या बन जाएगा बच्चा? तो मैंने मैंने यूरोप में फॉरेन करेंसी को बेस ले लिया सर, ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट कोड। बट मेरी आदत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट को ऐसे हवा में लिखता ही नहीं हूं। आई ऑलवेज राइट इट विद द कंट्री इन यूरो, गॉट इट? अब मैंने और एक चीज आप लोग को डिराइव करवा दिया। अपन लोग ने अभी देखा कि समझो मेरे को कन्वर्ट करना है 1 यूरो को 1 रुपीज में। बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है। अरे यहां की ना, तो चलो करते हैं वो भी। मैंने इनडायरेक्ट कोट को कन्वर्ट इनडायरेक्ट कोट टू डायरेक्ट कोट, तो ये मैंने क्या किया? मैंने इधर पहले लिखा 1 यूरो इक्वल टू रुपीज 90.6918, और मैंने आपको बोला भी था खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, वैल्यू वाइज तो सब सेम ही है। तो अब अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं 90.6918 से। अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा पता है आपको?
ये हो जाएगा 1 यूरो डिवाइड बाय 90.6918 इक्वल टू 90.6918 डिवाइड बाय 90.6918, ये हो जाएगा मेरा 0.0110267 इक्वल टू 1 रुपी। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया सब लोग को? एनी डाउट्स? ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 रुपीज इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने ऐसे टर्म्स में लिखा है ऐसा। अब सुनो, अब सर कैसे किया ये आपने वो फॉर्मूला, आओ मैं दिखाता हूं। देखो मेरे पास एक इनडायरेक्ट कोट है यहां पे, बराबर है, क्या है वो 1 यूरो इज इक्वल टू 90.6918 रुपीज। इसको मेरे को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसी को 1 डिवाइड बाय 90.6918 करता हूं, तो ये डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट हो जाता है 0.0110267। समझ में आया क्या? एक सेकेंड, किसको डाउट तो था, किसी को तो डाउट था, किसको डाउट था? नेट इफेक्ट विल बी सेम ऑब्वियसली, ये तो खाली प्रेजेंटेशन है रे पुष्पा। कोई लोग फॉरेन करेंसी के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, कोई लोग होम करेंसी के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं। चलो विद 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 दिस विद दिस कंटिन्यू कर रहा हूं 2 मिनट। चलो क्लियर है? विद दिस मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं विद योर परमिशन डायरेक्ट कोट बेसिकली इज प्राइस ऑफ, तो डायरेक्ट कोट मेरा यहां पे 1 यूरोप में 1 रुपीज इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अपने को इजी पड़े इसके लिए इंडिया वाला खोलता हो ताकि थोड़ा कनेक्टिंग रहेगा। $1 इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 स्टर्लिंग इज इक्वल टू 1 चाइनीज 1 इज इक्वल टू 1 जापानीज येन इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स में अगर मैं इधर देखता हूं देन इन दैट केस वो सब मेरा डायरेक्ट कोट हुआ। सो प्राइस ऑफ बेसिकली इट इज फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, डन 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 डन। सो व्हेन यू कीप फॉरेन करेंसी इन बेस इट इज अ डायरेक्ट कोट। एग्जाम्पल तो बनता ही है, $1 इक्वल टू रुपीज कितना था रे 82.6156 is a direct quote in India. Done. एंड अगर मैं इधर लिखता हूं इनडायरेक्ट कोट, एंड अगर मैं इधर लिखता हूं इनडायरेक्ट कोट, तो इनडायरेक्ट कोट क्या होगा? करेक्ट, इट विल बी प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। समझे क्या रे? सो व्हेन यू कीप होम करेंसी इन बेस
व्हेन यू कीप होम करेंसी। अभी से कभी भी कभी ये सब देखोगे तो दिमाग में आ जाएगा ना, एकदम क्लिक हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट कोट है, तो इनडायरेक्ट कोट है, तो बेसिक है ना, तो डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट तो लगता ही लगता है। इट इज इनडायरेक्ट कोट। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल, यस, क्या लिखेंगे अपन? वन वन रिपी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन टू वन जीरो इज इनडायरेक्ट कोट, बट किधर? इन इंडिया। इसको अगर मेरे को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, इस इनडायरेक्ट कोट को अगर डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बिकम वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट, राइट? इस इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम वन अपॉन डायरेक्ट कोट, राइट? बेसिकली डायरेक्ट कोट विल बी वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट। एंड यहां पे अपन लोग लिखेंगे, भाई अगर इस डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम वन अपॉन डायरेक्ट कोट। हो, विद दिस मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने ले डाउन कर दिया है। Any questions, anybody? Any doubts, anybody? Please tell me. Please tell me. Done, 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 done. आप लोग में से मुझे एक एग्जांपल चाहिए, कोई भी अपना नाम बोलो, जैसे ही जो सबसे पहले मी बोलेगा उसका मैं एग्जांपल लूंगा, राइट एवरीबॉडी? एंड इट इज सर्वेश थिरानी। सो से फॉर एग्जांपल सर्वेश चला जापान, सर्वेश चला जापान, सर्वेश तू गया टोक्यो में, तू गया टोक्यो में, उधर तूने एक कोट देखा, उधर तूने कोट देखा, दैट वन रुपीज इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सिक्स जैपनीज येन, ठीक है? तू मुझे अभी तीन चीजें बताएगा, अबाव कोट क्या है, दूसरा कन्वर्ट इट इनटू अदर कोट, कन्वर्ट इट इनटू अदर कोट, ये दोनों चीजें सर्वेश के लिए अपन सब कैलकुलेट करके दिखाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So, अपन जापान में है और जापान में अपन लोग ने फॉरेन करेंसी को बेस रखा है। तो जब आप कोई भी कंट्री में हो और आपने फॉरेन करेंसी को बेस रखा है, करेक्ट, इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट इन दैट कंट्री, डायरेक्ट कोट बट इन जापान, सही है? और इसको कन्वर्ट करना है मेरे को अदर कोट में, तो क्या करूंगा मैं? सर आप इसको इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
सो इट इज वन अपॉन डायरेक्ट कोट, वन अपॉन डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू वन अपॉन 1.56 इज इक्वल टू एंड इट इज 0.6410 एंड मैं इसको प्रेजेंट कर दूंगा यहां पे से, अगर मैं कहीं भी गया अभी मैं इसको प्रेजेंट कर दूंगा कैसे, 1 JPN इज इक्वल टू रुपीज 0.6410। जब आपने खुद की करेंसी को बेस पकड़ लिया आप बोल रहे हो इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट। थैंक यू सो मच गाइस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरी तरह से पूरा होता है। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी प्लीज आस्क। डन 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 है सब लोग। अब नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट बंदा चाहिए, जो मी लिखेगा वो मेरा नेक्स्ट बंदा बनेगा। कौन है एवरीवन, कौन है मेरा नेक्स्ट बंदा? तुम लोग जब तक ये नहीं बोलोगे ना सर समझ गए, बस थक गए समझ गए, तब तक रुकूंगा नहीं मैं। एंड इट इज एंड द फर्स्ट इज आरुषि सिंघल। सो आरुषि गई, आरुषि गई मेरी फेवरेट जगह ऑस्ट्रेलिया में। सो से फॉर एग्जांपल वो गई ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में गई, वो गई मेलबर्न में। मेलबर्न में उसने क्या देखा आपको पता है? मेलबर्न में उसने देखा कोट लिखा हुआ था 1 AUD इज इक्वल टू रुपीज 65.3010। जरा आयुषि बताना तो दो चीजें, ये कौन सा कोट है एंड कन्वर्ट इट इनटू अदर कोट। तो जब आपने खुद की करेंसी को बेस बना लिया तो आप बन जाते हैं करेक्ट इनडायरेक्ट कोट। ओके, पूरा 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 लिखेंगे सर, इनडायरेक्ट कोट इन ऑस्ट्रेलिया, कन्वर्ट इट इनटू अदर कोट इमीडिएटली कर देंगे अपन। बोलो बोलो चल चल, यस। सो कैसे कर सकते हैं सर? सर ये इनडायरेक्ट कोट है, इसको अपने को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट इक्वल टू वन अपॉन 65.3010 इक्वल टू 0.0153। जब क्या मैं सब लोग से 100% कंफर्मेशन ले लूं, क्योंकि बेस सेटर है, यहां पे कंफ्यूजन ना हो तो अच्छा है, आगे जाके अपने को इजी पड़ता है ना बात। इसके लिए डन। सो अगर मेरे को इसको प्रेजेंट करना है तो मैं इसको प्रेजेंट करूंगा लाइक दिस, 1 rupee इज इक्वल टू AUD 0.0153, क्रिस्टल क्लियर। बस यही सुनना है, यही सुनना है मेरे को। चार डेसिमल, आरुषि को मजा आ रहा है। अब बोल रही है सर दूसरा करेंसी लो ना INR के अलावा, कि भाई तू छोड़ के जा रही है इंडिया। चलो चलो चलो, डन है डन है डन है। चलो सब एक ये भी ऑप्शन ले लेते हैं भाई, बोला है तो चलो आओ। तो मैं गया न्यूयॉर्क,
संकल्प गया न्यूयॉर्क, और उसने न्यूयॉर्क में करेंसी एक कोट देखा, $1 इज इक्वल टू पाउंड 0.1342। बताओ क्या है ये? लीजिए आरुषि खंडेलवाल जी, आपकी इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं, बोलिए। सेम चीज, आपको दो चीज बतानी है, कौन सा कोट है, कन्वर्ट इट इंटू द अदर वन, सोच समझ के जवाब देना, सबका करेक्ट आना चाहिए एवरीबॉडी। अगर आप कहीं और देख रहे तो प्लीज कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। करेक्ट, दिस बेसिकली इज इनडायरेक्ट कोट, कहां पे इन यूएसए। कन्वर्ट करो किसमें, सो इनडायरेक्ट कोट से कन्वर्ट करना है मुझे इसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने के लिए इट इज 1/ इनडायरेक्ट कोट, सो डायरेक्ट कोट मुझे मिल जाएगा 1/ 0.1342 इक्वल टू, एंड दिस विल बिकम 7.4516। पहले लिख लो फिर बाद में ढंग से लिखो कि भाई अब मैं न्यूयॉर्क में हूं और न्यूयॉर्क में अगर मुझे डायरेक्ट कोट बताना है तो फॉरेन करेंसी को मैं बेस लूंगा, फॉरेन करेंसी है मेरा पाउंड डॉलर 7.4516। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ बात करो तब मजा आएगा। अरुषि खंडेलवाल जी, आपकी इच्छा पूरी हो गई, डन एंड डस्टेड, समझ गए। चलो डन सर, क्लियर है अभी, आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर। ये भरत कैनेडियन डॉलर के पीछे पड़ा हुआ है, आएगा भरत वो भी आएगा, टेंशन मत ले, उसको भी लेंगे अपन। चलो रेट ऑफ करेंसी प्रेजेंटेशन, अपन ने आज सीखा $1 इक्वल टू रुपीस, आज का रेट अगर मैं लेता हूं तो 82.6156। ध्यान से, इसको बोलते हैं रुपीस, इसको बोलते हैं पैसा, बट इसको बोलते हैं पिप्स, जो चार के बाद आता है उसको बोलते हैं PIPS, पिप्स। एंड लेट मी टेल यू, 1 pips इज इक्वल टू 0.0001, 10 pips इक्वल टू 0.0010। तो बोलो 100 pips कितना होगा, करेक्ट 0.0100। समझ गए, प्लीज। चलो डन गाइस, इधर तक किसी को कोई डाउट? क्या मैं इसी के साथ अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं? तो बेसिक करेंसी प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, क्या आप कभी लाइफ में कभी भूलेंगे? अभी तो नहीं भूलेंगे मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूं लाइफ में कभी भूलेंगे?
डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल टू वन अपॉन डायरेक्ट कोट। क्या आपको ऐसा कोई बोलेगा तो आप कंफ्यूज होंगे या एकदम फ्लो में उसको सामने वाले को सिखा के आओगे? दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट आई वांट एवरीबॉडी। पिप्स एक टर्म है जो जैसे यहां पे अपना होता है ना पैसा, अपन बोलते हैं ना 10 रुपया, 10 रुपया 50 पैसा, तो 50 पैसे से भी अगर और एक्सट्रीम गया तो इट इज कॉल्ड एज पिप्स। परफेक्ट। ए रोहन भिसे, पाइप्स नहीं पिप्स, पी आई पी ई एस लिखा है भाई ने, इट इज पी आई पी एस। एक तेरे ई में वो पाइप्स हो जाएगा। तो जैसा अपन रुपीज पैसा बोलते हैं ना, वैसे दो जो डेसिमल के बाद जो दो करेंसी होता है उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं पिप्स। अच्छा अच्छा ओके ओके ऑटो करेक्ट हो गया। चवन्नी का इंग्लिश वर्जन, उससे बड़े मजा किया। डन 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 गाइस। तो बेसिकली ये इधर जो आपको दिख रहा है, दिस इज हाउ मेनी पिप्स, दिस इज 56 पिप्स। चल बनता है एक छोटा सा ब्रेक। यस चलिए नोट्स भी दे देता हूं आप लोग को, यू कैन कॉपी इट डाउन एंड यस फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नो प्रेरणा। डन ओके आप कॉपी कर सकते हैं एंड देन फिर बाद में अपन ब्रेक के बाद आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैं ना काम कर रहा हूं, तुम लोगों को ये दो दो एक एक मिनट दिखा रहा हूं, तुम लोग फोटो ले लो जिसको लेना है, और जिसको अभी कॉपी करना है अभी कॉपी, अप टू यू।